नमस्ते मित्रों मैं आज आप लोगों के समक्ष अपनी एक कविता पाठ करना चाहता हूँ विश्व विजय का गर्व न हो गौरव हो ज्ञान उदय का न्याय त्याग प्रेम सेवा अहम व स्वार्थ विजय का मतलब विश्व विजय कोई गर्व करने योग्य चीज़ नहीं है और ये सिर्फ युद्ध में विजय नहीं बल्कि कि किसी भी फील्ड में चाहे वो नोबेल प्राइज़ हो चाहे ओलंपिक्स में हो या किसी भी और फील्ड में क्या मानव पर विजय विजय है बहुत अधिक पीड़ा है कुछ तो होते सुखी अधिकतर दुख की ही लीला है मानव पर विजय जो है वो अधिकतर दुख ही फैलाती है कैसे आगे देखते हैं विजय प्राप्ति पर भी सीमित सुख का होता आभास क्षण भर में हावी हो जाता दुख का नूतन विन्यास तो जो जीतते हैं उनको भी क्षणिक सुख मिलता है और जल्दी से दुख हावी हो जाता है दूसरा हर स्पर्धा में होती है सुख से कई गुनी पीर विजयी छोड़ सबको मिलता उनके नयनों में नीर पीर मतलब पीड़ा तो नीर मतलब पानी तो जो कोई भी स्पर्धा हो तो उसमें जो विजयी होता है उसको भी क्षणिक सुखी मिलता है और बाकी सबको तो दुखी मिलता है संगीत कला क्रीड़ा हो या हो शक्ति धन विज्ञान किसी अन्य से बेहतर होने में कैसा सम्मान कोई अगर सात आठ मीटर कूद ले और कोई अगर दो ही मीटर कूद पाए तो क्या वो कम हो गया या कोई अगर हजार प्रश्नों के उत्तर दे ले और कोई दस के ही दे पाए तो क्या वो कम हो गया क्या वो ख़राब हो गया मैं तो ऐसा नहीं मानता मैं नहीं मानता कि हज़ार प्रश्न का जो दे लेता है वो ज़्यादा सम्माननीय है दिनकर कहें बुद्धि पर चैतन्य और की जीत श्रेष्ठ मानव की असीमित मानवों से प्रीत राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर जी की पंक्तियाँ हैं ये कि उन्होंने कहा था कि उर्वशी महाकाव्य में कि बुद्धि से श्रेष्ठ जो है चेतना और उर् मतलब हृदय है मनुष्य पर विजय नहीं है मुश्किल स्वार्थ भय का खेल समस्त मानव कर्म कांड दो स्वामी का मेल मनुष्य पर विजय मैं कह रहा हूँ कि मुश्किल नहीं है क्यों क्योंकि मानव की बहुत बड़ी कमजोरी है स्वार्थ और भय है ना उसको या तो स्वार्थ का लाभ लेके उसके या तो उसको भय दिखा के उस पर बहुत आसानी से विजय पाई जा सकती तो मनुष्य पर विजय नहीं है मुश्किल स्वार्थ भय का खेल समस्त मानव कर्मकांड इन दो स्वामी का मेल ये दो हमारे स्वामी हैं और जितना भी मानव कर्म कांड है जितना भी हमारे प्रोजेक्ट्स हैं एफर्ट्स हैं नाइन्टी नाइन परसेंट से भी अधिक वो जो है स्वार्थ और भय से ही प्रेरित होते हैं मन पर विजय चुनौती है दुर्लभ है है वह श्रेष्ठ दुर्लभ मतलब रेयर मन पर विजय चुनौती है दुर्लभ है है वह श्रेष्ठ त्यागी विजय महामानव बनता है जिससे ज्येष्ठ ज्येष्ठ मतलब बड़ा मन से ही पीड़ित थे अर्जुन क्या वे वीर नहीं थे मन के हावी हो जाने पर कंपित शिथिल वहीं थे अर्जुन ने महाभारत में युद्ध के पूर्व कहा है कि वो खड़े नहीं रह पा रहे हैं तो उन्हें चक्कर आ रहा है तो वीर थे लेकिन मन जब हावी हो गया तो खड़े भी नहीं हो पा रहे थे कृष्ण ने क्या कहा कृष्ण ने कहा मन चंचल है है कठिन नियंत्रण त्याग और संतोष से हो सुख का आमंत्रण गीता में उन्होंने इस तरह की बात कही जायते जाय रहस्रेशु च पंडित वक्ता दश सहस्त्रेशु दाता भवती वानवा आगे अर्थ हिंदी कविता में ही बता रहा हूँ दुर्लभ हैं पर मिल जाते हैं शत लोगों में शूर शूर मतलब बहादुर ज्ञानी पंडित बुद्धिमान सहस्त्रों में हैं दूर हजारों में नहीं मिलते हैं ज्ञानी पंडित बुद्धिमान दस सहस्त्र में वक्ता उत्तम कोई मिलता एक दस हज़ार में कोई एक काद वक्ता मिल जाता है भाग्य हों जो मिल पाए में दाता नेक और जो करुणा में दाता है दानी है वो जो है मिल जाए तो भी भाग्य हो, वो मतलब इतने दुर्लभ हैं कि मिलना भी एक एक, एक दुर्लभ इवेंट है एक बहुत रेयर बात है और बहुत बड़ा सौभाग्य है धन्यवाद मित्रों